कहिए देवर जी। हेलो, आज भरी सभा में मेरे भाई दुर्योधन ने तुमको याद किया है। आपके भाई युवराज दुर्योधन ने हमें याद किया है। हाँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि उस मर्दों की पंचायत में आज मुझे क्यों याद किया गया है? आपको उस मर्दों की पंचायत में आपका आटा उतारने के लिए याद नहीं किया गया? आप याद करो उस दिन को, उस दिल्ली के अंदर, उस इंद्रप्रस्थ के अंदर मेरे भाई दुर्योधन को तुमने अंधे का अंधा कहा था। आज आज वो अंधे के अंधे तुम्हें दिखाना चाहते हैं। तुम्हारा नाच देखकर, नंगा नाच देखकर, क्या वो आज भी अंधे हैं या उन्होंने आंख बढ़वा ली है? देवर जी, हाँ, वो तो मैंने छोटा सा मजाक किया था। मुझे ये नहीं पता था कि उस मजाक का तुम इतना बड़ा अर्थ लगा बैठो। आप उसको मजाक कहती हो तो आज हम कौरव भी एक मजाक करना चाहते हैं, आपका नाच देखना चाहते हैं भरी सभा में। अच्छा, हाँ, क्या करोगे बताइए? मेरी बात सुन लीजिए। कहिएगा। सुनिए देवर जी, कह दे मैं सभा में जाने लायक ना, मेरी क्या इज्जत कर बात करे, मैं सभा में जाने लायक ना, मेरी क्या इज्जत कर बात करे, तो पद चाल मेरे संग मेरी, वो तो पद चाल मेरे संग में, एक बार याद करे, कि मैं सभा में जाने लायक ना, मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। जी देवर जी, लेकिन द्रौपदी इज्जत उसकी बर्बाद होती है किसकी? जिसकी इज्जत हो। ओह माय गॉड। और हमारे आदरणीय पिंकम अच्छा। सेठ जी, जिन्होंने पहले 100 रुपए का पुरस्कार दिया था, पिंकम सेठ जी फिर से 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। आदरणीय देवीराम जाटव जी, वो भी 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद। आइए मास्टर जी, बार बार धन्यवाद। आइए, क्या था द्रौपदी? शर्म नहीं सेरा कर ले, रसेरा कर ले, सेरा कर ले, मुंह जल जागा, खाया करते गर्म नहीं आए, सेरा कर ले, मुंह जल जागा, खाया करते गर्म नहीं, तेरी इन बातों ते द्रौपदी मेरा हृदय होता नरम नहीं, बहु बेटी नर बहु बेटी ने बुरी तको तुम्हें, या छतरी का धर्म नहीं आए, बहु बेटी ने बुरी तको तुम्हें, या छतरी का धर्म नहीं, हेरी हलकारा मत जाने रहने दे, ओए हलकारा मत जान रहने दे, हलकारा मत जान रहने दे, मत
कवि सुषमा ने कहा था, एक शेर कहा था कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है, रसरंगी नहीं दसरंगी है, ढकले तो सारे कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। थारी तरह जैसे तुम हो, अपनी इज्जत बताती है। अरे अपनी देख लो कितनी है। तू अपनी इज्जत करवाना चाहती है द्रौपदी, तुमसे ज्यादा है। यो कहते हैं कि त्रिया चरित जाने ना कोई, और खसम मार के सत्ती होई। जैसे तुम हो रहे हो ऐसी बात नहीं है द्रौपदी, तू अपनी इज्जत करवाना चाहती है, लेकिन तू जो इस भरत वंश की मर्यादा को अपने पैरों तले कुचलना चाहती है। अच्छा, मेरे भाई दुर्योधन को तूने अंधे का अंधा कहा, मेरे पिता धृतराष्ट्र को तूने अंधा कहा, और तू अपनी इज्जत करवाना चाहती है। अरे देवर जी, जाना बढ़ चढ़ कर मत बोलिए। ऐसा न हो कि जिन कदमों से आए हो उन कदमों से जाने लायक भी नहीं रहो, आपके कुल खानदान में रोने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। अच्छा, अगर द्रौपदी अपनी पागी तो अभी घमंड जा नहीं रहा है, जाएगा भी नहीं। इसको ये नहीं पता इसके पांचों पांडव जो कि हमारे दास बन चुके हैं भस्म कर देगी। हाँ, और खुद दासी बन चुकी है। अरे जाओ, मैं किसी की दासी नहीं हूँ। अच्छा, दासी घर बैठी है, जेबरी जल गई है। पर द्रौपदी जो तेरी जो बोली जैसी गोली, गोली गोली जैसी बोली तेरी चलती है, यही तुझे ले डूबेगी। ध्यान रखना, ऐसे ही चलेगी। हाँ, सुन ले मेरी बात, जिसमें दम हो रोक लेना। अच्छा, आई बात द्रौपदी। और सुन ले मेरी बात, आज भरी सभा में भरी सभा में तेरा री होगा नाच नंगा, लगा ठुमके पांचाली। आज भरी सभा में तेरा री होगा नाच नंगा, लगा ठुमके पांचाली। झूम उठेगी मैं फिल ऐसा होगा दंगा, खुश होकर पहले भी कई सौ रुपए दिए और 200 रुपए फिर से भाई प्रधान पद के प्रत्याशी व वर्तमान प्रधान भाई नवनीत पायला और भाई सुंदर वेसला और जयदेव जोशी जी तीनों मिलकर फिर से 200 रुपए का पुरस्कार दिया। बार बार धन्यवाद करता हूँ। आइए, क्या बताया? ये बताया नहीं। मेरे जैसी और किसी में देवर मिले समाई नहीं है, मेरे जैसी और किसी में देवर मिले समाई नहीं। और तेरे ते बढ़ के मारे कुल में, अच्छा? तेरे ते बढ़ के मारे कुल में और बज जात लुकाई नहीं। बोले खाती तेरी कमाई नहीं मैं, बेकार देश मत ना बोले खाती तेरी कमाई नहीं। तेरा नंगारी नाच देखना चावे, ओ नंगा नाच देखना चावे, नंगा नाच देखना चावे। जी, जिन पांच पतियों पर तुझे बड़ा गुरूर था। अरे गुरूर है, गुरूर करती करती रहो।
जाऊंगी पता, बड़ा घमंड था। अब भी करती हूँ। अब भी करती है? करती हूँ। तीन तो बैठे पीछे। तू बता सुने। हाँ। मेरे तो पांच पांच, तू बता तेरे कितनी है? तेरी तो अनगिनती है, कोई गिनती नो। अच्छा हाँ, कदी आगे बगल में कदी वाकी बगल। तेरे बाप भारत को इतिहास पढ़ो है, दुशासन के भी आई ना हो। या पर तो कहा है अभी। अच्छा मेरी बात सुन। पर यूं उदुशासन जिन पांच पतियों पर तुझे इतना घमंड था, इतना गुरूर था, अरे आज भी है। आज वो नीची कीर्तन करके उस भरी सभा में बैठे हुए हैं। सुषमा जी ने रागनी सुनाई थी ना, जिस जिसने पराई औरत को पता निगाह डाली है उसका क्या हाल हुआ है? अच्छा ना पता, तेरा भी वही होने वाला कुछ दिन में। तो मैं कोई तो पे निगाह डालूंगा, तू तो हमारी दासी है। आते चौका वासन करे करेगी। मेरे तो छोड़ दू ना, किसी और पे भी डाल रखी है। और ते बैठे ना पांच पांडव, वो भीम बैठा पीछे। आज तो वो भीम भी कुछ नहीं कहेगा, तेरा नाच देखेगा। तने ऐसे ठा ले जाए जैसे पल्लेदार बोरी ने ले जाए, पीछे ही जाके तेरी बुंगी सी भरेगा। सुन ले मेरी बात। और भाई नवनीत पहला, पहले भी कई सौ रुपए का पुरस्कार दे चुके हैं, प्रधान जी ने फिर 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। और भाई राहुल, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। भाई सभी दानी दाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए सभी। नो करे दुशासन, द्रौपदी मत छेड़े, नहीं तो जलाएगा, भस्म कर देगी। द्रौपदी युद्ध द्रौपदी ना, घर बैठी रहे। तू चल जल्दी सभा के अंदर, भाई पे देखिए। दिनेश पटेल तुराईगढ़ी से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और आदरणीय विक्रम शर्मा जी, भूतपूर्व कोऑपरेटिव डायरेक्टर विक्रम शर्मा जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद। आइए बार जोरदार ताली। Yeah. Yeah.